फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, ये कौन सा फंक्शन है, ये टेंथ रूट फंक्शन है। मतलब y इज इक्वल्स टू, हम क्या अज्यूम कर सकते हैं, y इज इक्वल्स टू या f ऑफ x इज इक्वल्स टू। इसके पहले का बच्चों इंट्रोडक्शन वगैरह देखना बहुत जरूरी, इसके पहले के वीडियोस में जाइए, ठीक है, तो आपको चीज़ें मिल जाएंगी वहाँ पे, और जो बच्चे देखते चले आ रहे हैं वो समझ जाएंगे। तो y इज इक्वल्स टू f ऑफ x इज इक्वल्स टू x टू द पावर 1/10, ठीक है। अब देखिए आइए ले चलते हैं आपको छोटी क्लासेस में, एट्थ क्लास में, सेवन्थ क्लास में ले चलते हैं। पता है कुछ बच्चे यही नहीं समझ पा रहे हैं टेंथ रूट का मतलब क्या है। देखो बच्चों, जिस भी नंबर पे टेंथ रूट लगी हुई है, जैसे कि मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम बोलते हैं कि ये देखिए कुछ इस तरीके की ये कहानी है। मान लीजिए कि टेंथ रूट है किसी नंबर की, और वो नंबर क्या है, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। देखो ये 3, 3, 6, 3, 9, एक बार और ले लूँ, ठीक है, ये बात याद है आपको। अगर बाहर स्क्वायर रूट होता था, तो मान लो अंदर कोई नंबर है 3 × 3, तो स्क्वायर रूट होता था, तो यहाँ कोई नंबर नहीं, रेडिकल, ये रेडिकल का साइन होता है ऐसे जो लगा रहता है, ठीक है। तो उस रेडिकल पे आगे यहाँ पे जहाँ पे रेडिकल स्टार्ट होता है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखा रहता था स्क्वायर रूट में, याद है आपको। तो हम लोग के टीचर बोलते थे कि भाई पेयर बना के इसको बाहर निकाल लो, है ना, मतलब अगर स्क्वायर रूट है तो दो दो के पेयर बनेंगे, तो 3 आ जाता था बाहर एक बार, याद है, याद ही दिला रहा हूँ बस, और कोई बात नहीं है। 4 × 4 × 4 है कहीं, और इसका अगर क्यूब रूट है, ठीक है, तो क्यूब रूट का मतलब क्या होता था कि हमारे टीचर बोलते थे 4 के पेयर बनाने, पेयर तो नहीं बोलेंगे एक्चुअल में, बोलते थे कि 3 × 4 को एक साथ ले लीजिए, अगर आ जाए तो उसको कॉमन ले लीजिए, उसको कॉमन लेने का मतलब उसको रेडिकल से बाहर ले, ऐसा कुछ बोलते थे। एक्चुअल में ये सब चीज़ें क्या होती थी, इसका मतलब होता था 3 × 3 की पावर 1/2, ये मतलब होता था इसका, ये रेडिकल हटाओगे तो इस पर क्या लगेगा, हाफ पावर, ठीक है। इसी तरीके से इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 4 × 4 × 4 की पावर 1/3, तो इसका ये क्यूब रूट होता है। इसी तरीके से इसका क्या मतलब है, ये जो भी नंबर है उसको आप मल्टीप्लाई कर लेना, जैसे कि मान लो 4 × 16 = 64, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि 64 की पावर 1/3, यही मतलब होता था ना, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 64। तो इसी तरीके से ये जो भी नंबर आता है, मेरे ख्याल से 1024 आएगा शायद, जो भी आए, ठीक है, तो इस नंबर की जो भी ये नंबर है 2 × 2 × 10 टाइम्स, इसकी पावर क्या 1/10 अगर लगाओ तो ये 10th रूट होता है, मतलब कि अंदर जो नंबर है उसके जब वो नंबर जब 10 टाइम्स आएगा तो वो एक बार बाहर आएगा, यानी कि इसका आंसर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। अब ये जो भी नंबर अंदर इसको मल्टीप्लाई आप कर लेना, उसकी पावर क्या 1/10, आंसर क्या आएगा, 2। तो ये बातें मैं आपको बार बार याद इसलिए दिला रहा हूँ, पता लगा बच्चों को यही नहीं पता हो कि 10th रूट का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब देखो आपको 10th रूट निकालनी है किसकी, आपको 10th रूट निकालनी है आपको, ब्लू मार्कर से मैं करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, आपको 10th रूट निकालनी है किसकी, 0.999 की। अब बच्चों मैंने आपको बताया था क्या कि आपको x चूज़ करना है, है ना, यानी कि क्या आपको 0.999 के आसपास ऐसा नंबर पता है जिसकी 10th रूट आपको पता हो, यस, 1। सुनो एक बार बताऊँ, 1 एक ऐसा नंबर है, 1 एक ऐसा नंबर है जिसकी 10th रूट निकाल लो आप, फर्स्ट रूट जिसकी 10th रूट निकाल लो आप, या स्क्वायर रूट निकाल लो या क्यूब रूट निकाल लो, हर बार 1 ही आता है, पता है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि स्क्वायर रूट के अंदर, भाई 1 को पहले बताओ आप क्या लिख सकते हो, 1 को आप क्या लिख सकते हो, स्क्वायर रूट नहीं, ये रेडिकल और यहाँ पे 10, मतलब 10th रूट किसका, 1 का, मतलब 1 × 1 को मैंने, 1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1, देखो 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10 टाइम्स, ये 10 टाइम्स 1 कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया, अगर 10th रूट ऑफ ये वाला नंबर है तो ये पेयर 1 के बाहर आ जाएगा, यानी आंसर आ जाएगा 1, बात समझो ना, ठीक है। तो 1 की 10th रूट हमेशा क्या होती है, 1 होती है, 1 का कोई भी रूट, अगर हम आपको बोलेंगे 1 का स्क्वायर रूट, ये सब बच्चे याद रखे बहुत काम आएगा, 1 का स्क्वायर रूट भी क्या होता है, 1 होता है, ठीक। इसी तरीके से 1 का जो क्यूब रूट होता है वो भी क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, यानी कि एक नंबर 0.999 के पास मुझे ऐसा पता है जिसका 10th रूट मुझे पता है, यानी कि x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बस हमने यहाँ पे, चलो बहुत बढ़िया। और f ऑफ x आपका 10th रूट फंक्शन था, यानी कि x की पावर 1/10, तो लगा देते हैं फॉर्मूला क्या, डेल्टा वाई, अब तो हम फटाफट करेंगे बिकॉज बहुत पढ़ा दिया मैंने इसमें आपको, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। हाँ भाई ध्यान दे जरा, ये एफ ऑफ एक्स कितना आ जाएगा, एक्स की वैल्यू अगर 1 रखोगे, अभी अभी बताया था, तो एक्स की पावर क्या है यहाँ 1/10, यानी कि एक्स की पावर या एक्स का 10th रूट, यानी कि 1 का 10th रूट, और 1 का 10th रूट क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास डेल्टा वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यही क्या होता है आपका, जो क्वेश्चन दिया होता है मैंने बताया था आपको, तो 0.999 का 10th रूट माइनस एफ ऑफ एक्स कितना आया आपका, 1 आया, ठीक। अब इस 1 को इधर भेज दो तो ये डेल्टा वाई में ऐड हो जाएगा, या एडिंग 1 बोथ साइड, 1 हमने राइट में भी ऐड किया और 1 हमने लेफ्ट में भी ऐड किया, यहाँ 1 से 1 चला गया, तो आ गया आपके पास 0.999
कि पावर 1/10 मतलब 10th रूट ऑफ 0.999 इज इक्वल्स टू व्हाट, डेल्टा वाई प्लस 1। इसको हम इक्वेशन 1 बना लेते थे, याद है आपको। अब हम क्या करते थे, हम डेल्टा वाई की वैल्यू निकालते थे, कौन से फॉर्मूले से, ये वाले फॉर्मूले से। तो डेल्टा वाई आइए निकाल लेते, तो डेल्टा वाई क्या होता है आपका, ये होता है आपका डी वाई बाय डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। अब डेल्टा एक्स तो हमको पहले ही निकाल लेना चाहिए था, बट हमने नहीं निकाला। तो याद है आपको, ये जो अंदर लिखा होता था, इसको हम किसके इक्वल लेते थे, इसको हम लेते थे आपका, यहीं पे मैं करके आपको दिखा रहा हूँ, फिर मैं हटा दूंगा, तो अपनी कॉपी में आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, 0.0.999 हो जाएगा, लेकिन x की वैल्यू कितनी चूज करी थी आपने, 1। तो x की जगह अगर हम 1 रखें तो 1 प्लस डेल्टा x इज इक्वल्स टू 0.999, ये 1 जाएगा राइट में, तो डेल्टा x इज इक्वल्स टू 0.999-1। हाँ भाई चलो बताओ, 1 बड़ा है कि 0.999 बड़ा है, इतना तो बताओगा, 1 बड़ा होता है यार, ठीक है। तो आंसर जो भी आएगा वो नेगेटिव आएगा, बड़े वाले नंबर का साइन लगेगा ना, प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का माइनस। अब 1 में से इसको माइनस करो, कैसे करोगे, 1 को क्या लिख सकते हो, 1.000, ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, और यहाँ पर 999 माइनस करते हैं, 10 माइनस 9 1, यहाँ बचेगा 9, 9 माइनस 9 0, यहाँ बचेगा 9, 9 माइनस 9 0, और यहाँ से तो 1 कैरी चला गया था, तो 1 की जगह क्या बच जाएगा, 0, और पॉइंट के नीचे ये पॉइंट है ना, पॉइंट के नीचे पॉइंट हमने लगा दिया। तो ये जो आंसर आया है हमारा 0.001, ये कैसा आया हमारा, नेगेटिव आया, ठीक है। तो डेल्टा एक्स आपका कैसा आया, नेगेटिव आया, हमने आपको बताया था डेल्टा एक्स नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, तो डेल्टा एक्स माइनस 0.001 आ गया, चलो बहुत बढ़िया, ठीक। अब डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, तो चलो डी वाई बाई डी एक्स अगर हम निकालेंगे, तो वाई क्या था हमारा, वाई था हमारा कितना, एक्स की पावर 1/10, इसका डेरिवेटिव करो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, ये पावर आगे आ जाएगी, यानी कि 1/10 आगे आ जाएगा, इन टू एक्स की पावर 1/10 में से 1 माइनस कर देंगे, भाई एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव क्या होता है, एन, एक्स की पावर एन माइनस 1, एक्स की पावर एन माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका 1/10 इन टू, हाँ भाई एक्स की पावर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/10 माइनस 1, क्या होगा, सॉल्व कर लोगे इसको, ये आ जाएगा माइनस 1 माइनस 10 माइनस 9/10 माइनस 9/10, सही है। अब इसको आप नीचे भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1/10, और ये जब नीचे आएगा तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि 10 की पावर 9/10 हो जाएगा, ठीक, 1/10 इन टू एक्स की पावर 9/10। अब 10 इन टू, ध्यान दें बच्चों, एक्स की वैल्यू कितनी थी, 1 थी, यानी कि 1 की पावर क्या हो जाएगा, 9/10, भाई चेक करो ना, यहाँ पे एक्स की पावर 9/10 थी, तो एक्स की वैल्यू मैंने 1 रखी, 1 की पावर 9/10, ठीक है। अब सुनो, 1/10 करेक्ट, और ध्यान दें प्लीज़ क्या, कि 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आता है, तो 1 की पावर कुछ भी हो क्या आता है, 1 ही आता है, तो 1 की पावर 9/10 भी 1 है। एक्चुअल मैं आपको करके दिखा दूँ, देखिए आप परेशान मत होइए, 1 की पावर हमने पहले इसको क्या लिखा, 1 की पावर 1/10 की होल पावर 9, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते, बिकॉज ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 9 9/10, तो 1 की पावर 9/10 ही तो हो जाएगा, तो 1 की पावर 9/10 को हमने ऐसे लिखा, 1 की पावर 1/10 की होल पावर 9, और ये क्या है, 10th रूट ऑफ 1 1, ये 1 हो जाएगा, अभी बताया था मैंने आपको 1 की पावर 9 क्या होता है, 1 into 1 into 1, 9 टाइम्स करोगे तो 9 1 ही तो आएगा, 1 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे आपस में तो 1 ही आएगा, 1 की कुछ भी पावर होगी 1 आएगा यार, ठीक है। तो ये हो गया 1, तो यहाँ से आ गया आपके पास 1/10, 1 को 10 से डिवाइड करो क्या आ जाएगा, 0.1, तो यहाँ से आ गया आपके पास 0.1, क्या आ गया, डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है। तो ध्यान से चेक करिए, ये डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 0.1 इन टू डेल्टा एक्स कितना आया था आपका, डेल्टा एक्स आया था माइनस 0.001 करेक्ट। इसको अब हम सॉल्व करते हैं, इतना कॉपी कर लीजिए, इतना कर लिया, चलो अब देखो, तो यहाँ हमने इसको जानबूझ के वैल्यू यहाँ पे हमने लिखी थी, डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू डी वाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, 0.1 इन टू डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस 0.001। अब देखो बच्चों, ये 0.1 पॉजिटिव है, प्लस माइनस, तो आंसर आएगा हमारा कैसा, माइनस में, और जब भी डेल्टा एक्स नेगेटिव होता है तो डेल्टा वाई पक्का नेगेटिव होता है, ठीक है, हम कई बार देख चुके हैं। तो प्लस माइनस माइनस, अब 0.1 को 0.001 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 100, और एक और जीरो आ जाएगा यहाँ पर, देखो 1 2 3, और ये 4 डिजिट से पहले पॉइंट लगेगा, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका माइनस 0.0001, तो ये आ गया आपका डेल्टा वाई। अब बस कुछ नहीं करना है हमको, इक्वेशन नंबर 1 जो हमने बनाई थी, हालांकि आप लोग भी कर सकते हो मुझे पता है, और आप कर भी चुके होगे, ठीक है, बहुत सारे बच्चे, फिर भी सॉल्व तो मुझे सारा करना ही है, पता नहीं किसको कौन सा क्वेश्चन ना आता हो, सारे बच्चों को देखना है, इसलिए हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो डेल्टा वाई आपका कितना है, डेल्टा वाई आया है माइनस 0.0001 और प्लस 1, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, देखिए 1 में से हमको माइनस करना है क्या भाई, 1 माइनस 0.001, कैसे माइनस करेंगे, तो पहले 1 लिखेंगे फिर पॉइंट लगा के 0000, ये 4 टाइम 0 लिख लिया। अब
इसको चेक करो, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओ, पॉइंट के पहले क्या है जीरो लिख दिया, पॉइंट के बाद क्या है जीरो 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 वन, तो जीरो 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 वन माइनस करते हैं, साइन आएगा कैसा पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि वन एक बड़ा नंबर है ये छोटा है, प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का, तो आंसर जो भी आएगा वो पॉजिटिव आएगा। हाँ भाई यहाँ देखो 10 माइनस वन नाइन, तो यहाँ 9 माइनस जीरो नाइन, यहाँ 9 माइनस जीरो नाइन, यहाँ 9 माइनस जीरो नाइन, और यहीं से तो वन कैरी लिया होगा, तो 0 माइनस जीरो जीरो, तो ये आ गया आपका 0.0.9999। अब देखो बच्चों, बच्चे बोलेंगे सर आपने आंसर दिया है टेनथ रूट ऑफ 0.99 का अप्रॉक्स, जो आंसर दिया है वो 0.9999 दिया है, ये तो आपने डेसिमल के 1, 2, 3, 4 प्लेसेस तक दिया है, ठीक है ना बच्चों, एनसीईआरटी में भी यही आ रहा है, ठीक है। आप इसको ये भी तो लिख सकते हो अप्रॉक्स में 0.999, तो अगर आप एग्जाम में ऐसा करके आ जाओगे तो गलत है क्या? देखो अगर उन्होंने 3 प्लेसेस तक लिख पूछा है और आपने 4, 5 प्लेसेस तक दे दिया है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि देखो बच्चों यहाँ पे कोई आप फिजिक्स नहीं कर रहे हो, है ना, फिजिक्स हम नहीं पढ़ रहे हैं कि हम कोई लैब में मेजरमेंट ले रहे हो बिल्कुल एक्यूरेट आना चाहिए और सभी तरीके के रूल्स हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट के लगाएंगे, नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है, आपको कैलकुलस चेक करी जा रही है कि कैलकुलस में आपको अप्रॉक्सीमेशन लगाना आता है कि नहीं, तो मेनली आपको क्या चेक किया जाएगा कि ये वाला एल्गोरिथम आपको लगाना है कि नहीं, तो आप 4 प्लेसेस तक आंसर दो, आप 3 प्लेसेस तक आंसर दो, ठीक है, ये मैटर नहीं करता है, तो आप जितना आ रहा है ये इतना ही लिख के छोड़ दो, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, कर लीजिए।